एवरीबडी टू माई चैनल पी आर एडवाइजर्स। आज बात करेंगे एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक, कैन वी कन्वर्ट विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा इन टू वर्क परमिट वीज़ा इनसाइड कैनेडा। तो इसका आंसर रहेगा येस, यू कैन कन्वर्ट। तो इसका मैं ऑफिशियल जो लिंक है, जो वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है, वो ऊपर डाल दूंगा, आप देख सकते हो। तो जी हाँ, आप कन्वर्ट कर सकते हो। बट हाउ कैन यू कन्वर्ट, व्हाट इज़ द प्रोसीजर बिहाइंड इट, उसकी बात करूँगा। उसमें ये आपको जान लेना है कि ये प्रोसेस बहुत ही कंबरसम है, बहुत इजी प्रोसेस नहीं है। अगर आपको कोई भी एजेंट, कोई कंसल्टेंट बोल रहा है कि हाँ इतने पैसे लगेंगे तो हम आपका कन्वर्ट कर देंगे, तो बिल्कुल उसकी बात मत सुनिए, इतना इजी प्रोसेस नहीं है। वर्क वीज़ा लेना उतना ही डिफ़िकल्ट कैनेडा में है जितना इंडिया से या अदर आउटसाइड कैनेडा से है। तो मैं बात करूँगा, अगर आप कैनेडा में भी हो टूरिस्ट वीज़े पे, तब कैसे ले सकते हो। तो प्रोसीजर विल बी द सेम, आपको वर्क वीज़ा लेने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी वो आपको कैनेडा में रहकर भी करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली बात जो आती है, आपको क्रोनोलॉजी समझाऊंगा मैं बेसिक से, वो आप समझिए। सबसे पहले जो होता है वो होता है LMIA, जो सबने सुना हुआ होगा। उसका मतलब क्या है, वो बेसिक उसका है, होती क्या है LMIA, उसका मैं एक पिक्चर डाल दूंगा, आप देख सकते हो ऊपर वहाँ पर। तो हाँ, ये एक तरह की, अगर किसी भी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को हायर करना है बट वो कैनेडा में नहीं रहता, फॉरेन वर्कर को करना है, तो LMIA चाहिए। तो उसके बाद बात आती है व्हाट इज़ पॉजिटिव LMIA, और जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी लेटर भी बोल देते हैं, कन्फर्मेशन लेटर आई वुड से। तो वो होता क्या है पॉजिटिव LMIA, वो होती है कि अगर उसने ये LMIA, उसको एम्प्लॉयर को अप्लाई करनी पड़ती है, तो अगर उसने ले ली, अगर उसने ये बोल दिया, मनवा लिया अपने कैनेडा को कि हमें एक फॉरेन वर्कर चाहिए, और इसलिए चाहिए क्योंकि कनाडा में वो उस तरह का वर्कर नहीं है और इसलिए हमें फॉरेन से लेना पड़ेगा, और वो उसको LMIA मिल गई, तो इसके पीछे बहुत ही कंबरसम प्रोसीजर है। एक एम्प्लॉयर को LMIA अप्लाई करनी पड़ती है, उसके बाद उसके बैकएंड पे जो प्रोसीजर चलता है वो बहुत लेंथी होता है। उसमें अप्लाई करने के बाद बहुत सारी शर्तें होती हैं जो उसको पूरी करनी पड़ती हैं। उस शर्तों में ये भी आता है कि एक न्यूज़पेपर में डालना पड़ता है कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई चाहिए, इंटरव्यूज़ के लिए आ सकते हैं, और उसके बाद ये कितना टाइम उन्होंने रख दिया है, लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट एक प्रोसीजर है लाइक 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स का। उसके बाद अगर आपको कोई कैनेडियन एम्प्लॉय नहीं मिलता तो आप ये बोल सकते हैं कि हमें एक फॉरन से एम्प्लॉय चाहिए। तो एक फाइनल जब LMIA जो अप्रूव हो जाती है, तब उसके बाद आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो आपके उसके बाद सिमिलर प्रोसीजर रहेगा। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू वर्क वीज़ा लेना चाहते हो तो आपको जो जो चीज़ें चाहिए आपको एम्प्लॉयर से लेनी पड़ेगी। सबसे पहले LMIA की कॉपी लेनी पड़ेगी, उसका नंबर होता है वो चाहिए, उसके बाद आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए उस एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर चाहिए। उस जॉब ऑफर के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी चाहिए, आपको ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके अलावा आपका मेडिकल आपको करवाना पड़ेगा, आपकी जो जो काम आपको आउटसाइड इन कैनेडा और इनसाइड कैनेडा वो सेम ही रहेंगे, वो प्रोसीजर सेम ही रहेगा। अगर आपको कोई एजेंट बोल रहा है वहाँ से इजी होगा, तो कुछ भी इजी नहीं होगा। मैं रिसेंटली की बात बताता हूँ, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है, उन्होंने एजेंट ने 40,000 कैनेडियन डॉलर्स मांगे थे, और वो बोल रहा था कि एक LMIA अप्रूव्ड पड़ी हुई है, जिसको पॉजिटिव LMIA बोलते हैं, वो पड़ी हुई है, वो दिलवा देंगे, और आपको उसी ही कंपनी में या उसी ही छोटे से गैस स्टेशन में 3 साल काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी PR लगवा देंगे। तो बहुत ही सोच समझ कर ये काम करना, इतना इजी नहीं है, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो होता है वो इमिग्रेशन का ही रहता है। आपको LMIA मिल भी गई तो ये आपको 100% श्योरिटी नहीं है कि आपको इमिग्रेशन वर्क वीज़ा देगी नहीं देगी। तो अगर आप कैनेडा में हैं तो आप 6 मंथ से ज़्यादा एक विजिटर वीज़े पे नहीं रह सकते। तो ये प्रोसीजर अभी 6 मंथ से ज़्यादा ऑब्वियसली हो चुका है, 6 मंथ्स में LMIA मिलना और उसके बाद पूरा प्रोसेस होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो आपको वापस आना ही पड़ेगा। अगर इन एनी केस, अगर वर्स्ट केस की भी बात करें, तो आप 6 मंथ और वैलिडिटी बढ़ा लेते हैं, तो उस केस में भी आपको बॉर्डर पे फ्लैग पॉलिंग जिसे बोलते हैं वो करनी पड़ेगी। उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर इंटरव्यू लेगा, और इंटरव्यू के बाद ही वो कहेगा, अगर वो आपका वीज़ा एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, आपको वापस इंडिया आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट ये मैं बहुत ही ऐसा केस बोल रहा हूँ जैसे बहुत कम होता है। तो सबसे बेटर है, अगर विजिटर वीज़ा है भी कोई बात नहीं, आप जाओ घूमो, वहाँ पे एम्प्लॉयर फाइंड करो, LMIA अप्लाई करो, उसको बोल, अगर उसके पास नहीं है पॉजिटिव LMIA तो एम्प्लॉयर आपके लिए LMIA अप्लाई कर सकता है, उसका पूरा प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद आप इंडिया आ सकते हो। इंडिया आने के बाद
अगर LMI अप्रूव हो जाती है तो वो सारे डॉक्यूमेंट उससे ले लो, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, एम्प्लॉय नंबर, आई मीन LMI नंबर, LMI कॉपी। उसके बाद आप प्रोसीजर एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें मेडिकल वगैरह सब कुछ होगा, तो वो सेम प्रोसीजर रहेगा और उसके बाद आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि टूरिस्ट वीज़ा मिलने के बाद प्रोसीजर बहुत ईजी हो जाएगा, वो बात अब नहीं रही, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो एजेंट कंसल्टेंट बैठे हुए हैं वहाँ पे वो लूट रहे हैं, वो चाहते हैं आपसे पैसा लेना। तो बहुत ही सोच समझ के स्टेप लें, आप मैक्सिमम कोशिश करें कि अपना जितना आपको नॉलेज हो सके आप रिसर्च करें उसके बारे में, फिर ही फैसला लें, बिकॉज इतने पैसे खर्च करना ये आई वुड से कोई भी सजेस्ट नहीं करेगा। सो ये था पूरी वीडियो, कैन वी कन्वर्ट और हाउ टू कन्वर्ट, ये पूरा उसके रिगार्डिंग है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल PR एडवाइजर्स, और अगर आपको कोई क्वेरी हो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू।